वेलकम टू या पंकज 90 एजुकेशन। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स फ्री में चलाया जा रहा है यूट्यूब पे। पूरे 3 महीने का कोर्स यहाँ पे चलेगा, क्योंकि आप लोग का अगर पेपर बाकी है, आप पेपर देने वाले हैं, तो आप लोग निरंतर बने रहिएगा यहाँ पे। मैं क्वेश्चंस के अलावा पूरा एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इसलिए चैनल में पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हर प्रकार की वीडियो मिलता रहे। और आज ये आपका day 3 है, आप तीसरे दिन में पढ़ने वाले हैं क्या 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 चीज़ें कवर होने वाली हैं। बाकी day 1 या day 2 जो लोग नहीं पढ़े हैं, इसके बाद जाके उसको भी आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अन्यथा आप एग्जाम में कई क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक एक चीज़ आपको क्लियर समझाया जाएगा वीडियो में, आप लास्ट तक बनेगा। कहीं पर भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लगातार बने रहेगा। आई वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। को पता है कि यहाँ पे हम लोग को day 3 में पढ़ना है प्रोटोकॉल के बारे में, तो यहाँ पे HTTP यहाँ पे मैंने day 2 में यहाँ पे लाके छोड़ दिया था। मैंने बोला था कि day 3 में हम लोग इसको कवर करेंगे। और यहाँ पे आपका पहला चौथे नंबर पे जो है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसका मतलब डेटा प्लान टेक्स्ट होता है, ठीक है। आपसे कभी कभी इसका मतलब भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। डेटा प्लान टेक्स्ट होता है, हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में जो भी इंटरनेट से आता है सब HTTP के माध्यम से आता है। यह सिक्योर नहीं रहता है, इसमें हैक करना आसान रहता है, लेकिन HTTP सुरक्षित रहता है। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी वेबसाइट के पहले अगर HTTPS लगा है तो वह पूरी तरह से सुरक्षित है। HTTP की खोज 1965 में टेड नेल्सन ने किया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग जरूर करिएगा। अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP फुल नेम हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको एक मिला होगा HTTPS, तो इसका जो फुल नेम होगा सेम HTTP का आपको पता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। क्या होता है? सिक्योर। यहाँ पे आपका यश जुड़ा है, तो यश का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप लोग को कुछ इधर उधर की आवाज़ें सुनने को मिल सकती है, क्योंकि पसीना भी भाई ज़्यादा बहता है तो पोछना पड़ता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग की बहुत ज़्यादा मेहनत है, आप लोग का बस थोड़ा सा योगदान चाहिए कि आप लोग चाहते हैं कि 3 महीने का पूरा वीडियो मैं आपको day 90 तक अपलोड करूँ, तो आप लोग से बस इतना ही सहयोग चाहिए कि वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करिएगा। जितने भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं सबको वीडियो मिल जाए, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। जैसे आप लोग मोबाइल में कुछ ना कुछ सर्च करते होंगे, तो आप लोग देखते हैं गूगल में ऊपर सबसे जो भी चीज़ आप खोल रहे हैं वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें सर्च करते हैं, सरकारी रिजल्ट या जो भी, तो आप देखेंगे वहाँ पे लिखा रहता है HTTP, उसके बाद स्लैश बना के आगे लिखा रहता है WW करके जो भी चीज़ें। तो वही चीज़ें समझाने का प्रयास हो रहा है कि जिस वेबसाइट में आपको HTTP बस रहेगा वह वेबसाइट आप समझिएगा सिक्योर नहीं है। जिसमें HTTPS है समझिए वो पूरी तरह से वेबसाइट सुरक्षित है, आपको उससे कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आता है फुल नेम से आता है, मैंने बता दिया, और खोज किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे जो सॉरी अगले टॉपिक तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला जो आपका यहाँ पे प्रोटोकॉल है वह क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पहले ही क्वेश्चन आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका यानी फुल नेम पूछता है, HTML का फुल नेम क्या होता है। इसका प्रयोग हम वेब पेज की डिजाइन बनाने के लिए करते हैं, लगभग सभी HTML में लिखे जाते हैं। मैं बता दूं, आप इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट के बारे में सर्च करते हैं, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी का या किसी भी वेबसाइट सरकारी रिजल्ट हो, तो सबकी कोडिंग जो होती है किसमें होती है, वेबसाइटों की कोडिंग जो पेज की डिजाइन की जाती है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML में। आप लोग देखते हैं वेबसाइट पे स्लाइडिंग तरफ फोटो भगता रहता है इधर से उधर, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वेबसाइट जो डिजाइन होता है उसका पेज वो किसमें होता है? HTML में। ये एक प्रकार की क्या होती है? लैंग्वेज होती है। बच्चों को यह पढ़ाया जाता है जो लोग वेबसाइट डिजाइनर के काम सीखते हैं। इसका प्रयोग मैंने यहाँ पे डिफिनेशन भी बता दिया, इसका जो है आपको ज़्यादातर फुल नेम पूछा जाता है, और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है यह भी पूछा जाता है, या पूछ सकता है HTML में टी का मतलब क्या होता है या यम का मतलब क्या होता है। आपको पता होना चाहिए टी का मतलब टेक्स्ट, यम का मतलब मार्कअप, या जो भी
यहाँ पे कैरेक्टर का पूछे तो आप बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपको अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, करते करते बार बार आदत पड़ चुकी है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ पे अगली टॉपिक है न कि क्वेश्चन है। यहाँ पे टीपी, टीपी का फुल नेम होता है टेलनेट प्रोटोकॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए फुल नेम। देखिए आप लोग फुल नेम खोजते हैं लेकिन सारे फुल नेम आपके यहीं से इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। टीपी, टीपी का फुल नेम आपको बताना है कि टीपी का फुल नेम क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम कोई भी यूजर नेम तथा पासवर्ड गलत टाइप करते हैं तो यह शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी वेबसाइट पे या कहीं पे आप इंटरनेट की दुनिया में जब कोई भी यूजर नेम या पासवर्ड गलत टाइप करते हैं तब यह शुरू होता है और इसका प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। गलत टाइप करते हैं तब आप कोई भी यूजर नेम या आपको पता है कई तरह की वेबसाइट है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपसे यूजर नेम या ईमेल आईडी हो, जहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाता है, जब वहाँ पे गलत टाइप करते हैं आप तब यह काम करना शुरू करता है, इन्फॉर्म करता है, ठीक है। अगले टॉपिक तरफ चलते हैं, यहाँ पे अगला टॉपिक आपके सामने आ चुका है और ये भी आपका एक प्रोटोकॉल है। आप लोग को पता होना चाहिए कि कितने प्रोटोकॉल होते हैं। अभी आप लोग क्वेश्चन में क्या जानते थे, टीपी जानते रहे होंगे या एचटीटीपी जानते रहे होंगे, एचटीएमएल यही ना, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। एक चीज़ आप लोग को मैं बता दूँ, आप लोग क्वेश्चन के पीछे ज़्यादातर भागते हैं मेरे भाई, जो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, इसलिए इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन आप पूरे टॉपिक को क्लियर करते हैं तो क्वेश्चन बनेगा कहाँ से भाई, अगर ये इस टॉपिक से उठाएगा तो कहीं से पूछे, आप बिल्कुल हल कर सकते हो, तो ठीक है। अब यहाँ पे आपका यूपी, यूपी को उत्तर प्रदेश में समझ लेना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो कंप्यूटर के फील्ड से यहाँ पे यूपी का फुल नेम, तो यूज नेट प्रोटोकॉल, क्या होता है यूपी का फुल नेम, यूज नेट प्रोटोकॉल। इसके अंतर्गत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का एक समूह किसी भी विशेष विषय पर अपने विचार सलाह आदि को आदि का आपस में आदान प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर इंटरनेट उपयोगकर्ता, कई लोग जो इंटरनेट पे कार्य कर रहे हैं और उनका एक समूह है तो अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो उस समय किस प्रोटोकॉल का कार्य होता है, यूपी का, यूजनेट प्रोटोकॉल का, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है इंटरनेट उपयोगकर्ता का समूह जो होता है अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं तो उस समय कौन सा प्रोटोकॉल काम कर सकता है, करता है, तो यूपी, यूजनेट प्रोटोकॉल, न कि यूपी करता है यानी स्टेट का नाम नहीं है, ठीक है। वी आई ओ या वी आई ओ पी का फुल नेम, यहाँ पे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल, ये भी आप शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप लोग को पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। एक बार मैं फिर कर रहा हूँ भाई, लाइक नहीं किया तो लाइक एक बार जरूर कर लेना, शेयर कर देना। इसका प्रयोग नेटवर्क पर ध्वनि संचार का विवरण करने में करते हैं, जैसे आईपी क्लास, आप लोग समझ गए होंगे, ध्वनि संचार का विवरण जितना भी होता है वह किसके द्वारा होता है, वी आई ओ पी के, ठीक है। इसका फुल नेम आप लोग याद। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है, अगला टॉपिक आपके सामने, आपसे यहाँ पे WW, अगली टॉपिक जो है WW प्रोटोकॉल, मैंने वहाँ पे समाप्त कर लिया। सबसे पहले WW को आप लोग इम्पॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि WW का पहला ही क्वेश्चन आता है, आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं, आप अगर आपको हल कराया गया होगा किसी के भी वीडियो में या मेरे में, तो इसका फुल नेम वर्ल्ड वाइड वेब, यह आपको याद होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि WW का फुल नेम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यह विशेष रूप से स्वरूपित डॉक्यूमेंट का समर्थन करने वाला इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यह क्या है, यह एक विशेष रूप से स्वरूपित डॉक्यूमेंट समर्थन करने वाला इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है, जिसकी खोज 13 मार्च 1989 में की गई थी। यह सन आपको याद होना चाहिए, कब की गई थी, 13 मार्च 1989 में की गई थी। यह ऑडियो वीडियो ग्राफिक इत्यादि को सपोर्ट करता है। आपसे ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि WW जो होता है वह वीडियो ऑडियो या ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता है, तो बिल्कुल वहाँ पे फॉल्स होगा, क्योंकि करता है और ये क्वेश्चन आया भी है। इसकी खोज कब हुई थी ये भी आया है, महीने का भी आया है। WW के पिता टी वर्नस ली हैं, यानी टी वर्नस ली को कहा जाता है। ये भी बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि WW के संस्थापक कौन है, WW के पिता कौन है, या WW की खोजकर्ता कौन है। T
तीनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। WW को W3 भी कहा जाता है या कहते हैं, बिल्कुल आप WW को W3 भी कहते हैं। ट्रू फॉल्स में आएगा कि WW को W3 कहते हैं, तो बिल्कुल यस यानी ट्रू मार्क के आप लोग आएंगे। भाई आप लोग का जोश एकदम, मैं कोशिश करता हूँ बना रहा एग्जाम के लिए, तो भाई आप लोग भी मेरे जोश को बनाए रहेगा, इसलिए यार शेयर जरूर करिए, क्योंकि अभी मज़ा नहीं आ रहा है। दो पार्ट अपलोड हो चुका है आपका, डे टू और डे थर्ड में इतना आप लोग यार प्यार बना दीजिए अपना कि मैं डे फोर और फाइव एकदम जुनून के साथ अपलोड करूँ। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू होने वाला है, और इसको अगर आप लोग थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो शायद नहीं समझ पाएंगे मेरे भाई। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अगर दिमाग में कोई खुरापाती है तो पहले निकालिए और माइंड को फ्रेश करिए, क्योंकि अब हम लोग वेब पेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसके बारे में पढ़ना है तो माइंड बिल्कुल फ्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जितने भी टॉपिक आपकी आएंगी तो सब कुछ सेम टू सेम होंगी, यानी आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसका डिफिनेशन की तरफ फोकस करते हैं। कई कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या वेब पेजों का संग्रह वेब पेज कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कई कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या वेब पेजों का संग्रह वेब पेज कहलाता है। यह डॉक्यूमेंट HTML में लिखे रहते हैं, जिनको वेब ब्राउजर द्वारा दिखाया जाता है। वेब पेज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई, या दो प्रकार के होते हैं कि 10 प्रकार के होते हैं। इस पे फोकस न करके पहले इसके डिफिनेशन को समझिए कि वेब पेज होता क्या है। आज मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ, हालांकि आपको मेरा फेस भले न दिखे, लेकिन वॉइस से जो चीज़ें समझाने जा रहा हूँ, अगर ये चीज़ आप समझ लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको कोई इस तरह से नहीं समझा सकता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा महान हूँ भाई, देखो मुझे इतना पता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी भाषा में एक एक चीज़ को मैं तोड़ के समझाऊँ। मैं अब बताना चाहता हूँ कि कई डॉक्यूमेंटों या वेब पेजों का समूह, आप इसको थोड़ा सा भूल जाइए। कई डॉक्यूमेंटों, ध्यान दीजिएगा डॉक्यूमेंट क्या होता है। जैसे आप MS Word में काम करते हो, किसी वर्क करते हो, दो चार दस पन्ने लिखते हो, टॉपिक को किसी क्लियर करते हो, जो टॉपिक तीन चार पेज में पाँच छः पेज में चली जाती है, टॉपिक वाइज टॉपिक हेडिंग वाइज हेडिंग, तो आपका एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। तो कई कंप्यूटर डॉक्यूमेंट वेब पेजों का संग्रह। अब उसी तरह अगर कई डॉक्यूमेंट हैं जो एक संग्रह के रूप में है, कई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के जो एक संग्रह के रूप में है, बट वहाँ पे कंडीशन के डॉक्यूमेंट जो लिखे गए हैं, जैसे मैंने MS Word का नाम दिया, तो ये नॉर्मल MS Word में लिखे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं वो किस में लिखे जाने चाहिए? HTML में। यानी वह डॉक्यूमेंट कंप्यूटर पे जो HTML में लिखे गए हैं उनका संग्रह क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है, जिनको वेब ब्राउजर द्वारा दिखाया जाता है। आप कहोगे सर वेब ब्राउजर ये क्या है, क्या बात है? तो मैं बता दूँ, आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करते होंगे, क्रोम यूज करते होंगे, तो ये आपके क्या वेब ब्राउजर हैं। तो आपके मोजिला, क्रोम, ओपेरा, ये सब क्या वेब ब्राउजर हैं। तो आप किसी भी वेब पेज को कहाँ पे सर्च करोगे भाई? वेब ब्राउजर में तो करते हो। जैसे मैंने अभी बताया कि वेबसाइट क्या होती है, कई वेब पेजों का संग्रह से मिल के वेबसाइट बनती है, आगे साइड में बताऊंगा। तो यहाँ पे कई डॉक्यूमेंटों के संग्रह से वेब पेज बने हैं, वो डॉक्यूमेंट किस में लिखे जाते हैं? HTML में। लॉन्गर डॉक्यूमेंट नहीं, आप सिंपल से कह सकते हो। अगर आप बोर नहीं हो रहे तो मैं समझाना चाहता हूँ, एक चीज़ और बता दीजिएगा, बोर होते हो तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि यहाँ पे कई डॉक्यूमेंटों का समूह क्या होना चाहिए? कई डॉक्यूमेंटों का समूह, वह डॉक्यूमेंट HTML में लिखे होने चाहिए। तो उनका जो संग्रह होता है क्या कहता है? वेब पेज। और इन वेब पेजों किसके द्वारा दिखाया जाता है? वेब ब्राउजर द्वारा। जैसे क्रोम में आप सर्च करिए, मोजिला में सर्च करिए, फायरफॉक्स में सर्च करिए, ओपेरा में सर्च करिए, तो जो वेबसाइट बनती है तो वेब पेजों से बनती है। ये दो प्रकार का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक या बार बार एक्सेस करने पर एक ही चीज़ दिखाता है। वह वेब पेज जिस पे आप कई बार सर्च करते हो तो बार बार एक ही चीज़ को दिखाता है, वह स्टैटिक होता है। डायनेमिक क्या करता है? हर बार बदल लेता है। जैसे आप टाइप करते हो व्हाट इज कंप्यूटर, तो व्हाट इज कंप्यूटर का डिफिनेशन है कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इनपुट डेटा बट प्रोसेसिंग आउटपुट रिजल्ट। फिर टाइप करोगे व्हाट इज कंप्यूटर, ला भैया, तो दूसरा डिफिनेशन आ गया। फिर टाइप करोगे व्हाट इज कंप्यूटर, ला तीसरा, मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है। तो इसका मतलब वो कैसा वेब पेज है? डायनेमिक।
लेकिन आप उस चीज को कितना घुमा घुमा के टाइप करो, कंप्यूटर किसे कहते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर, तो बार बार एक ही डिफिनेशन दिखा रहा है। तो स्टैटिक बात शायद समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे वेब पे समझ में आ गया। लीजिए भाई, आपके सामने वेबसाइट भी आ गई। मैंने कहा था वेबसाइट, अगर आपको वेब पे समझ में आ गया तो वेबसाइट समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह वेब पेजों का संग्रह होता है। इसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। क्या गजब का। अब भाई आप समझ गए होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कितना आता है, और जो क्वेश्चन आता है वो कॉमन सब में आता है और बार बार आता है। वेबसाइट क्या होता है? कई वेब पेजों का समूह। मैंने पहले ही बताया था कि कई डॉक्यूमेंटों का समूह वेब पेज कहलाता है, और वो डॉक्यूमेंट HTML में लिख रहते हैं, और वहीं कई वेब पेजों का समूह वेबसाइट, क्योंकि आपको पता है वेबसाइट जो है वेब पेज से मिलकर बनती है। जैसे आप किसी टॉपिक पर क्लिक करते हो तो आपको नीला कलर का रहता है, क्लिक करते हो तो नीचे कुछ और एक पेज खुल के आ जाता है पूरा डिटेल में, फिर वहाँ पे कहीं किसी हेडिंग में क्लिक करते हो तो फिर खुल के आ जाता है। तो सारे वेब पेज बनाए जाते हैं, वो सब बने रहते हैं। और मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग जैसे किसी नेट पे जाते हैं, आप टाइप करते हैं sarkaririzalt.com, बाय द वे भाई ऑल इंडिया में फेमस है इसलिए मैंने इसको लिया, तो आप वहाँ पे देखेंगे आपका लिस्ट बन के आ जाता है, लेटेस्ट वैकेंसी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट। बाय द वे वैकेंसी में कोई ना कोई हेडिंग मिलता है, यूपी नेपाल हुआ, SSC DD हुआ, आर्मी हुआ। तो एक पहली बात तो आपने सरकारी रिजल्ट खोला तो एक पेज खुल के आया, जाहिर सी बात है, समझ जाइएगा। फिर आपने उसमें किसी एक हेडिंग में क्लिक किया, SSC ट्रेडमैन या जिस पे भी किया, तो फिर एक पेज खुल के वहाँ पे उसकी डिटेल मिली है। तो जो वो पेज खुल के आया तो वह सब वेब पेज हैं, एक दूसरे से लिंक हैं। उस एक लाइन में SSC GD उसमें एक पीछे का पूरा चीज़ जो वेब पेज था पूरा डिटेल वो लिंक था। तो वह किसके द्वारा लिंक था? हाइपर लिंक के द्वारा लिंक था। किसके द्वारा? हाइपर लिंक। इसका शॉर्टकट पूछे तो कंट्रोल के आपको यह भी पता होना चाहिए कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट कंट्रोल के होता है। अब यहाँ पे कह रहा है दूसरे जुड़े होते हैं किसी भी वेबसाइट का पहला। अब जब वो SSC DD खुल के आता है तो उसमें आपको मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, या कई तरह के वीडियोस के लिए मिलेगा कि अप्लाई हाउ टू वीडियो, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर करेंगे, फॉर्म खुल के आएगा। तो कहाँ से हो रहा है ये सब? सबसे पहले आप ये सब कहाँ पाए? गूगल पे जाकर सरकारी रिजल्ट टाइप किए तब आया, तब उसके बाद बार टाइप करते गए। तो यह एक किस, अब कोई पूछेगा यार ये फॉर्म कहाँ पे, तो आप कहोगे यार सरकारी रिजल्ट पे, तो अंदर था। अब आपसे जो कॉमन क्वेश्चंस पेपर में आता है वो बार बार क्या आता है? होम पेज क्या होता है? तो मेरे भाई वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट डालते हो, आपके सामने जो फॉर्म खुल के आता है लेटेस्ट वैकेंसी का जो भी चीज़ें, और वह क्या होता है? उसका होम पेज होता है। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। और वेबसाइट क्या होता है? कई वेब पेजों का संग्रह होता है, जो वेब पेज एक दूसरे से हाइपर लिंक के द्वारा अटैच होते हैं। इसके बाद भी कहीं पर कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, अगर नहीं है तो भी बता देना, क्योंकि आपके कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट, लो भाई आ गया जिसका था मुझे इंतजार, ओ घड़ी आ गई। क्यों? देखो भाई, घड़ी नहीं और टॉपिक आ गई। हालांकि घड़ी टाइम भी देख सकते हो कि घड़ी आ गई, आपको गिफ्ट मिला तो अलग बात है, मजाक थोड़ा जरूरी है अन्यथा आपका क्लास शायद बोरिंग हो सकता है। वेब ब्राउजर, लो भाई ऊपर मैंने इसका नाम भी लिया था, यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसका प्रयोग वर्ड WW के कंटेंट को खोजने के लिए करते हैं। अभी मैंने बताया था किसी भी वेबसाइट को आप कहाँ पे खोजते हो? किसी वेब ब्राउजर में खोजते हो। नहीं आपको याद है तो देख लीजिए। दूसरे अटैच होते हैं, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। यह वेब पेजों का संग्रह होता है, सभी वेब पे हाइपरलिंक के दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है, और शायद इधर कहीं ना कहीं दिया होगा। कई कंप्यूटर कंप्यूटर समूह डॉक्यूमेंट HTML में लिखे जाते हैं, वेब ब्राउजर द्वारा दिखाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा दिखाया जाता है? वेब ब्राउजर द्वारा। वेब पेज में मैंने समझाया था, अब यहाँ पे वेब ब्राउजर क्या होता है देखिए। ऊपर मैंने जिसका एग्जाम्पल भी लिया था, अभी आप लोग को याद भी होगा, उसका मैंने यहाँ पे फोटो भी दे दिया है।
यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसका प्रयोग WWW कंटेंट को खोजने के लिए करते हैं। वेब ब्राउजर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, टेक्स्ट वेब ब्राउजर, ग्राफिकल वेब ब्राउजर। टेक्स्ट वेब ब्राउजर का आपसे कभी कभी पेपर में पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल क्या है, निम्नलिखित में से टेक्स्ट ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर, तो लाइनक्स है। या लाइनक्स कैसा वेब ब्राउजर है? तो टेक्स्ट वेब ब्राउजर है। लाइनक्स एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है? तो फाल्स है। ठीक है, ग्राफिकल वेब ब्राउजर क्रोम, नेटस्केप, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप ओपेरा भी है, इसमें कई है, मैंने जितना था मैंने उतने का नाम यहाँ पे लिखा, बाकी बहुत सारे हैं। ओपेरा में भी आप देखेंगे, मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ टेक्स्ट में और ग्राफिकल में अंतर क्या होता है। जैसे किसी वेब ब्राउजर में आप जाके लिखोगे मुकेश अंबानी, हाउ टू मुकेश अंबानी, हिस्ट्री आप मुकेश अंबानी, हिस्ट्री आप चार्ल्स बैबेज, हिस्ट्री आप टिम बर्नर्स-ली, तो वहाँ पे क्या होगा कि टेक्स्ट वेब ब्राउजर में सिर्फ और सिर्फ निकाल के दे देगा एकदम पूरा, लो भैया फर्रा पढ़ो मुकेश अंबानी के बारे में, चार्ल्स बैबेज के बारे में। वहाँ पे ना तो कोई आपको इमेज मिलेगा, ना कोई अच्छा लुक मिलेगा, ना कोई कलर टाइप, मतलब अट्रैक्टिव चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मिलेगा। लेकिन ग्राफिकल में आप लोग जानते हो एक अच्छे से इमेज भी आपको मिलता रहता है, अच्छी ग्राफिक के साथ एकदम लुक भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी आपको अच्छा लगता है और आपको मज़े भी आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक तरफ। यहाँ पे अब अगला टॉपिक जो है आपको पता होना चाहिए, अगला टॉपिक क्या है आपका? वेब सर्वर। वेब सर्वर यह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो HTML के फाइलों और उनके पेजों की जरूरतों को पूरा करता है। आपसे वेब सर्वर के बारे में पूछा जा रहा है, तो वेब सर्वर क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो HTML की फाइलों के पेजों को जरूरतों को पूरा करता है। HTML की फाइल क्या है आपको पता है? वेब पेज किस में बनते हैं? HTML में बनते हैं। तो वेब सर्वर जो होता है वह उन पेजों को क्या करता है? जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, अगला टॉपिक है वेब एड्रेस। इस टॉपिक को हम लोग डे 4 में कवर करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं यार, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और शेयर तब कर दीजिएगा। पार्ट 2 नहीं देखे हैं यानी डे 2, तो जाके देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।